बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारे इस चैनल में आप सबका खुश आमदीद। दोस्तों, जब से शाहीन शाह अफरीदी और शाहिद खान अफरीदी की बेटी की शादी हुई है तो कुछ मुश्किलात काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं। पहले शाहीन शाह अफरीदी को बहुत ज्यादा मुश्किलात सामने आए उनके घर में जो हवाई फायरिंग हुई थी, उसके बाद उनके भाइयों को और शाहीन शाह अफरीदी को पुलिस की तरफ से काफी ज्यादा तौर पर मुश्किलात का सामना हुआ। अब शाहिद खान अफरीदी को भी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना हो रहे है और नए नए मुसीबतें उनके सामने कड़ी हो रही है। तो दोस्तों, वो मुसीबत क्या है और किस वजह से और शाहीन शाह अफरीदी क्यों उनके जिम्मेवार है, आगे चलकर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, शाहीन शाह अफरीदी और शाहिद खान अफरीदी की बेटी के शादी के बाद शाहीन शाह अफरीदी के भाइयों ने घर पर कुछ हवाई फायरिंग की और ये हवाई फायरिंग काफी ज्यादा देर तक जारी रखी, जिसकी वजह से पुलिस आखिरकार पर मजबूर हो गई और शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ और भाइयों के खिलाफ सख्त तरीन मुकदमा दर्ज कर दिया। अब फायरिंग इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने पूरी दिन फायरिंग की जैसा कोई जंग का माहौल है। तो इसी वजह से शाहीन शाह अफरीदी के भाई और खुद बजाते शायद शाहीन शाह अफरीदी काफी ज्यादा मुश्किलात का शिकार हुए। इसके बाद अब शाहिद खान अफरीदी के लिए भी यहाँ पर मुश्किल क्रिएट हो गई है, जब उसी ताने के SHO ने शाहिद खान अफरीदी के खिलाफ भी कुछ आर्टिकल्स लिखे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। अब शाहीन शाह अफरीदी के वजह से शाहिद खान अफरीदी को भी नुकसान और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके लिए सब कुछ आसान कर दे और इनकी जो इनसे गलती हुई थी शाहीन शाह अफरीदी के भाइयों से, उनको भी पुलिस माफ कर दे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।